हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घेवर, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये हमारे जो नॉर्थ साइड में यूपी में बरसात में बनता है, ये वहाँ की डेलिकेसी है। तो भाई को बहुत पसंद है, बचपन में जब उधर के साइड जहाँ हम रहते थे वहाँ पर मेला भरता था, तो वहाँ पर घेवर बनता था और हलवा पराठा बनता था, जो कि हम लोग बेंगलोर आने के बाद बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो वहाँ की डेलिकेसी हैं, मतलब डिज़र्ट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलती हैं, और जो यहाँ की हैं वो वहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो उसका दिल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो उसको मैं सरप्राइज़ करती हूँ और ये मैं उसके लिए बना कर ले कर जाऊँगी। तो इसकी रेसिपी ये है कि आपको घी लेना है और उसको जो है आपको बटर बनाना है आइस डाल के, और इसमें ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि जम जाता है ना घी होता है, और फिर इसके अंदर हमने जब आइस डाली है तो ये और ज़्यादा टाइट हो गया, तो हाथ वगैरह भी बहुत सुना हो जाते हैं। तो हमें इसको इतना विप करना है, हाथ से इतना मिक्स करना है कि घी का कलर चेंज होकर थोड़ा वाइट हो जाए और वो बटर बन जाए। घी को बटर में कन्वर्ट करना है, किस तरह करना है पता नहीं, तो इसकी एक्स्ट्रा वर्क है, ये निकाल दीजिए। अच्छा, तो हमारा ये अच्छे से बटर बन गया है। इस स्टेज पर हमें डालना है मैदा, और मैदे को बटर के अंदर इतना मिक्स कर दीजिए कि ये बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाए इसका जो बटर है। और फिर इसके अंदर हम, आप इसके अंदर चिल जो है दूध डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, और इसको एक बहुत ही पतला बैटर बनाना है। हाथ वाथ गंदे हो जाएंगे इसमें क्योंकि घेवर है, घेवर के अंदर हाथ गंदे हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि मेरे हाथ गंदे हैं। आपको पता है कि मैं जितनी बार भी मतलब कुछ भी काम करती हूँ तो हैंड वॉश करती रहती हूँ बीच बीच में। तो बस ये अच्छे से इसके अंदर बटर में मिक्स हो गया है मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिल्ड पानी, ताकि जो इसका बैटर है वो फटे नहीं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी नॉर्मल पानी डालेंगे तो शायद घी फट सकता है और फिर घेवर ख़राब हो जाएगा। तो आपको एकदम ठंडा पानी डालना है और उसको मिक्स करना है कि कोई भी लंप ना रहे उसके अंदर। तो हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। अब आप अपना ऑयल ले लें, और ये तो मेरी कढ़ाई थी, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो इतना पता नहीं था कि किस तरह बनाऊं क्या करूं। तो जो मेरी मेट थी वो भी देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूं, और वो बेचारी बीच बीच में एकदम से रुक के देख रही हैं और फिर पूछ रही हैं। उनको हिंदी नहीं आती है और मुझे तमिल नहीं आती है, तो बस इशारों में और अजीब से मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो मैं उनको समझा रही थी तोड़ तोड़ के कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो वो बीच बीच में रुक के इस तरह देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, तेल में क्या डाल रही हूँ। जैसे डोसा बैटर होता है ना, उन्होंने पूछा भी मुझसे कि डोसा, मैंने कहा नहीं डोसा नहीं है ये, मैं एक डिज़र्ट बना रही हूँ। तो उनको हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो आप देखिएगा आगे कि मैं उनसे किस तरह बात कर रही हूँ। तो जो हमारा ऑयल है वो कढ़ाई में या फिर किसी भी पतीली में आप लें तो उसको हाफ़ लें, क्योंकि जब आप उसके अंदर ये बैटर डालेंगे तो वो ऊपर तक आ जाएगा। और आपको थोड़ा थोड़ा करके ड्रिप करना है, कि आपने पहला एक स्पून आपने ड्रिप करा, फिर उसके बाद जब वो पक गया तो बीच में थोड़ी सी स्पेस बनाइए, फिर उसके ऊपर ड्रिप करिए। तो ये 3-4 बार इस तरह आपको लेयर लगानी है ताकि मोटा बन जाए। मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने ये कढ़ाई जो ली है ये थोड़ी ओपन ली है, इसमें ओपन नहीं लेना है आपको, या तो एक सांचा आता है कि आप वो रखें उसमें बनाएं, या फिर एक कोई पतीली ले लीजिए ताकि वो उसके अंदर बैठता रहे और वो थोड़ा थिक बने। तो मेरा ये थिक नहीं बना था ज़्यादा, इसकी जो थिकनेस थी वो सिर्फ जितना होता है ना, एक इंच सिर्फ इतनी थिकनेस थी, और जो घेवर होता है वो बहुत मोटा होता है, तो उसकी कुछ 10 सेंटीमीटर इस टाइप से होती है, और मेरी शायद से 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की थिकनेस थी मेरी। तो आप मतलब इस तरह ड्रिप कर लें, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, मैंने फिर इसको पलट दिया है।
और जैसा घेवर में एक जाल बनता है ना, ये प्रॉपर वैसे ही बना था। मतलब मुझे इतनी तो खुशी हुई, चलो ठीक है कि इसका एक जो जाल है वो बन गया। अच्छा, तो ये मेरा थोड़ा सा घेवर का बैटर बचा हुआ था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैदा था और इसके अंदर बटर था। तो मैंने वाइट सॉस पास्ता जो बनता है, तो मैंने वाइट सॉस नूडल डाल दिए थे, तो इसके अंदर मैंने ऑर्गेनो डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दी और साइड में मैं अपनी नूडल्स बॉयल कर रही हूँ। उसके बाद वो मैं थोड़ा सा भून के जिंजर गार्लिक में, और फिर मैं उसको भी डाल दूँगी। और अब आप हमारी कॉन्वर्जेशन सुनिए। ब्रदर मदर, स्वीट डिश। अब ये शुगर सिरप ड्रिजल डिश। तो ये थी हमारी स्वीट सी कॉन्वर्जेशन, जो उनको मेरी नहीं समझ में आती थी, मुझे उनकी भी नहीं समझ में आती थी। तो खैर, ये मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता नूडल्स। तो ये मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके उसके अंदर सॉल्ट मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और जो मेरी बॉयल नूडल्स थे उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स करके, और फिर ये मैं वाइट सॉस में ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जो घेवर बनाया वो तो बन गया जितना बनना था, और बैटर जो था वो उसके अंदर घी इतना सारा था, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, वेस्ट हो जाएगा। तो बस वाइट सॉस भी इसी तरह बनती है, आप चाहें तो उसके अंदर आप चीज़ डाल सकते हैं, वो और चीज़ ही बन जाएगा। मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं था, मेयोनीज़ थी, पता नहीं उसका कैसा टेस्ट आता। तो जितना था इंग्रेडिएंट मैंने उसके अंदर बना दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था वाइट सॉस में, आपने अगर कभी खाया है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस ये मैं पैकिंग कर रही थी, मेरा घेवर और ये शुगर सिरप, और बस ही मैं मम्मी के घर चली गई थी। वहाँ पर जाकर मैंने जो उसका शुगर सिरप था उसके ऊपर मैंने ड्रिजल करा फ्रेश, फिर सब ने हमने इसको टेस्ट करा, अच्छा बना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।